जब हम लोग 41 मेंबर्स जब टनल में फंसे थे तो एक दो दिन के बाद हर स्टेट के गवर्नमेंट ने अपने अपने अधिकारी को वहाँ भेजा कि हमारे आदमी हैं वहाँ का हालचाल उनसे लिया जाए। तो सारे स्टेट के आदमी लोग आए, अपने अपने जो आदमी थे उनसे मुलाकात। हम लोग 5 आदमी थे बिहार के, हम लोग से कोई बात करने वाला नहीं अधिकारी। हम लोग बोले क्या बात है, हम लोग से क्या खता हुई है, क्या हम लोग गुनाह किया कि कोई नहीं मान, कोई नहीं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 सभी श्रमिकों को सकुशल 17 दिनों के बाद निकाल लिया गया। उसके बाद सभी श्रमिक अपने अपने घर भेज दिए गए हैं, जिसमें बिहार के भोजपुर जिला अंतर्गत सहार थाना क्षेत्र के पेहूर गांव निवासी सबाह अहमद भी शामिल हैं। सबाह अहमद को शुक्रवार के दिन दिल्ली से पटना हवाई जहाज के द्वारा पहुंचाया गया। उसके बाद सबाह को बाई रोड उनके गाँव छोड़ दिया गया, जहाँ सबाह अहमद का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबाह अहमद लगभग 20 दिनों के बाद अपने गांव पहुंचे हैं, जहां सबाह अपने परिजनों से मिले। वहीं शुक्रवार को जैसे ही सबाह अहमद अपने गांव पहुंचे तो वहां पहले से ही मौजूद बधाई देने वालों का हुजूम जुटा रहा। सभी ने फूल और माला पहनाकर सबाह का स्वागत किया। घर से करीब 100 मीटर तक सबाह का लोगों ने स्वागत किया। सभी गले मिले और भारत माता की जयकार लगाकर उन्हें घर की ओर ले गए। वहीं घर के दरवाजे पर ही सबाह अहमद की पत्नी सबीहा खातून हाथ में स्वागत थाली और मिठाई लेकर सबाह का इंतजार कर रही थी, जिन्होंने मिठाई खिलाकर खुशी अफजाई की। वहीं घर वापस लौटने के बाद सबाह अहमद ने बताया कि जब 12 नवंबर की सुबह टनल में फंस जाने की सूचना मिली तो सभी चिंतित हो गए, लेकिन एक सुपरवाइजर होने के नाते सभी का ख्याल रखना जरूरी था। हालांकि बिहार के केवल 5 ही श्रमिक थे, लेकिन सबका ख्याल रखना था। वहीं टनल के गिरने के बाद हम लोग 6 दिनों तक केवल मूढ़ी खाते रहे और फिर हम लोगों को 7वें दिन खाना मिल पाया। टनल में फंसने पर घर के लोगों की भी याद आती थी, लेकिन जब हमारी पहली बार बात हुई थी तो घर वालों को भी लगा कि चलो कम से कम सभी ठीक तो हैं। घर वालों से फिर हमारी बात हुई। सबाह अहमद ने बताया कि उत्तराखंड सरकार और केंद्र की सरकार ने हमारा बहुत ख्याल रखा। वहाँ के मुख्यमंत्री हम लोग से लगातार हालचाल पूछ रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री से भी हमारी बात हुई। वहीं सबाह अहमद ने बताया कि उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार हम लोगों से लगातार हालचाल ले रही थी। वहीं हमारे राज्य को छोड़कर सभी राज्य के अधिकारी वहां मौजूद थे। पुष्कर सिंह धामी ने हमें गले लगाया। टनल से निकलने के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने हमसे बात की, लेकिन एक बार भी बिहार सरकार ने हमारा सुध नहीं लिया। वहीं अंत में सभी श्रमिकों के टनल से बाहर निकलने के बाद 3 अधिकारी बिहार के आए थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी हमारा हालचाल नहीं पूछा। अधिकारियों ने केवल हमारा नाम, पता और पिता का नाम पूछा और फिर चले गए। जब दूसरे दिन वो अधिकारी आए तो उन्होंने कहा कि हम लोग आप सबको बाई रोड ट्रैवल गाड़ी से बिहार ले जाएंगे। तो मैंने कहा कि सर हम लोग जब साल में 4 से 5 बार ट्रेन से जाते हैं तो एसी कोच से जाते हैं, हम लोग के पास पैसा है, हम लोग खुद से चले जाएंगे। जिसके बाद वो अधिकारियों ने जहाज से ले जाने की बात की, लेकिन एक श्रमिक के साथ एक ही परिजन जाने की बात की। इस पर भी हम लोग ने विरोध किया। उसके बाद सभी 14 को जहाज से बिहार लाया गया। समझिए घर वापस आ गए हैं, क्या कहेंगे, कितना खुशी हो रही है आपको? घर वापसी हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। सारे लोग से मिले, जितने भी हमारे घर के लोग हैं सब लोग से मिले, बहुत अच्छा लगा। और इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि सारे लोग से मिलाओ, मिठाई मंगवाओ। कैसा दिन रहे 17 दिन अपटनल में रहे जी? 17 दिन अपटनल में 18 दिन रहे, फंसे रहे, वो कैसा माहौल था? वो तो माहौल मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि नहीं था, मुझे मालूम था, और बाकी जो हमारे 40 मेंबर फंसे थे उन्हें भी मालूम था कि हम लोग कैसे थे। लेकिन जैसे भी थे संभाला हम लोगों ने अपने आप को, और आपके न्यूज़ माध्यम से या और भी माध्यम से आपको मालूम चला होगा, कल एम्स का रिपोर्ट सामने आया था, जितने भी 40 मेंबर्स हैं उनका रिपोर्ट जो आया सारे लोग स्वस्थ थे। और मैं पहले भी बोल रहा था कि जितने हम लोग 40 मेंबर्स हैं कहीं से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, और बाहर भी हम लोग आए तो सब स्वस्थ हैं, और आज भी देखिए आपके सामने खड़े हैं, स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को है। बस अंदर जो फंसे थे वही दिक्कत थी। सरकार का कोई नुमाइंदा आपके पास पहुँचा था क्या बिहार सरकार? इसमें हमारी कंपनी जो नयुगा कंपनी है और स्टेट गवर्नमेंट जो प्रकाश सिंह धामी साहब जैसे और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ही मेरी बात हुई थी, और बीके साहब भी बराबर लाइन पर लगे थे। जब हम लोग 41 मेंबर्स जब टनल में फंसे थे तो एक दो दिन के बाद हर स्टेट के गवर्नमेंट ने अपने अपने अधिकारी को वहाँ भेजा कि हमारे आदमी हैं वहाँ का हालचाल उनसे लिया जाए। तो सारे स्टेट के आदमी लोग आए, अपने अपने जो आदमी थे उनसे मुलाकात। हम लोग 5 आदमी थे बिहार के, हम लोग से कोई बात करने वाला नहीं अधिकारी। हम लोग बोले क्या बात है, हम लोग से क्या खता हुई है, क्या हम लोग गुनाह किया कि कोई नहीं मान, कोई नहीं। हम लोग
खैर हम लोग बाहर आ गए, 17 दिन तक भी कोई नहीं आया। एम्स में भी दिन भर कोई नहीं आया। जब हम लोग आ गए ऋषिकेश एम्स में आ गए तो दिन में कोई नहीं आया। जब हमने मीडिया लोग से बात की, जब ये सब बात हल्ला हंगामा किया, तब शाम में जाके अधिकारी 3 आए। अब वो भी हमसे बात कुछ किए नहीं, बस हमारा नाम लिखे, एड्रेस, फादर नेम, ये सब लिख के चले गए। और दूसरे दिन आए तो फिर वही फ्लाइट व्लाइट का टिकट विकट का बात होने लगा। और पटना एयरपोर्ट पे जब हम सुबह सुबह उतरे आज, तो मंत्री जी से हमारी बात हुई। तो हमने बोला कि मंत्री जी, आप हमारे लिए, हम लोग जो 5 जो बिहार के मजदूर जो फंसे थे, आप हम लोग के लिए क्या सोचे हैं? अगर हम लोग को यहाँ रोज़गार मिल जाएगा तो 1400 किलोमीटर जाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, आप हम लोग के बारे में कुछ सोचिए। तो आश्वासन दिए हैं वो कि 1-2 दिन रुक जाइए, हम आपको जरूर। जैसा कि आपके परिवार वालों से पूछा जा रहा था कि टनल में फंसने की वजह, अगर सभा आते हैं यहाँ वापस तो वो दोबारा बाहर जाएंगे कि नहीं काम करेंगे? अब वो तो वक्त वक्त बताएगा, अभी तो फिलहाल अभी तो एंजॉय करेंगे। अभी 1.5 महीने का छुट्टी अभी है जी, अभी 1.5 महीने का छुट्टी है, अभी इसके बारे में सोचना नहीं है, सोचा जाएगा। काम तो करना है, कहीं यहाँ नहीं, कहीं भी तो काम करना है, वो तो पीछे हटना नहीं है जिंदगी। वापस उस अंधेरगनी टनल में जाएंगे? जी सर, वापस उस टनल में जाएंगे काम करने? अब ये मैं नहीं बताऊंगा, वक्त बताएगा, ठीक है। ये मैं नहीं बोल सकता हूँ कि जाऊंगा या नहीं। अगर बिहार में रोजगार रहता तो क्या बाहर जाने की जरूरत पड़ती? जी, बिहार में अगर रोजगार रहता तो क्या बाहर जाने की जरूरत? बिहार में अगर रोजगार रहता तो किसी को भी बाहर जाने की जरूरत नहीं। आज जो हम लोग टनल में फंसे थे, दिल्ली का ये भी आदमी था, साउथ का था एक भी आदमी, उत्तराखंड का था एक भी आदमी नहीं था, बिहार का था, बंगाल का था, यूपी का था, उड़ीसा का था। अब इससे आप समझ सकते हैं यहाँ बेरोजगारी कितना चरम सीमा पे है। मुख्यमंत्री से बात हुई कि नहीं? मुख्यमंत्री से बात हुई है नहीं, तेजस्वी यादव जी से हमारी बात हुई, किसी से बात नहीं हुई। उत्तराखंड के धामी साहब, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हमारी बात हुई है, बीके साहब से बात हुई है। बात हुई है क्या, गले मिले हैं धामी साहब से और बीके साहब से, और मोदी साहब से फोन पे बात हुई। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।